हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अभी लगा रही हूँ सुबह की झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद में मुझे किचन और कमरे में बस पोंछा लगाना है। गैलरी को वैसे ही पानी डालकर वाइपर से धुल दूँगी। और ये जा रहे हैं आधार कार्ड लेने आंगनबाड़ी के बच्चों के। और ये देखिएगा दिया बाती के फूल कितने सुंदर लग रहे हैं, पर अब ये चढ़ाने लायक नहीं है। बहुत तेज़ रात में हवा चल रही थी तो ये गिर पड़े थे, तो अब तो ये चढ़ेंगे नहीं, पर अच्छे लग रहे थे। कितने सुंदर लग रहे हैं ना। रास्ता बनाए हैं बिल्कुल। और चूहों के आतंक की वजह से इन्होंने अलमीरा को इस साइड करके रख दिया है, क्योंकि जब उस साइड रखी थी तो वो डोरी डोरी से चूहे आते थे और बहुत परेशान करते थे। और काफ़ी चीज़ें तो उन्होंने काट भी डाली हैं, रजिस्टर वगैरह। मैंने अलमीरा इधर से इधर लगा दी है, क्योंकि इधर से काफ़ी चूहे परेशान करते हैं, और चूहे इधर से डोरी से आते अलमीरा पे, अलमीरा से अंदर जाते। और इसमें क्या है कि आंगनबाड़ी के रजिस्टर वगैरह रखे थे, और क्योंकि इधर से उनको पास पड़ जाता था तो अब यहाँ में थोड़ा गैप भी हो गया है, और इधर से उधर तक नहीं जा पाएंगे, आएंगे नीचे से। और अब मैं घर के सारे कामों से फ्री हो चुकी हूँ और नहाकर भी आ गई हूँ। और अब मैं कर रही हूँ पूजा के बर्तन साफ पीताम्बरी पाउडर से, क्योंकि गंदे से हो गए थे। फ्रेंड्स, पूजा पाठ तो हम सभी अपने घर में करते हैं, पर पूजा की शुरुआत और दिन में अपने घर के कामों की शुरुआत अगर भजन कीर्तन के साथ में हो तो एक अलग ही एनर्जी बनी रहती है। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसे ऐप के बारे में बताने जा रही हूँ जो इंडिया का पहला एक ऐसा ऐप है, जिसमें आप जिस किसी भी देवी देवता को मानते हैं, जो भी आपके आराध्य हैं, उनकी आप घर बैठे पूजा कर सकते हैं, उनके सामने दीपक जला सकते हैं, आरती कर सकते हैं, फूल पत्र चढ़ा सकते हैं और घर बैठे अपने आराध्य की पूजा कर सकते हैं। और इसमें मंत्र भी इसमें बहुत सारे हैं, जैसे कि आप सुबह सुबह अपने घर में ये मंत्र सुन सकते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छा फील होगा। और जैसे कि आप रात में अपने आप को लो फील कर रहे हैं किसी कारणवश, तो आप इनमें बहुत सारे मंत्र हैं इस ऐप में, तो आप मंत्र सुन सकते हैं, तो इससे आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इसमें बहुत सारे मंत्र के साथ साथ सुंदरकांड और सारे देवी देवताओं के आपको इसमें चालीसा भी मिल जाएंगे। और जैसे कि हम कोई शुभ काम करते हैं, तो शुभ काम करने से पहले हमें पंचांग देखने की ज़रूरत पड़ती है, तो इसमें आपको पंचांग भी मिल जाएगा, जिसमें आप तिथिवार देख सकते हैं। और इसमें आपको पुराणों का कलेक्शन भी मिल जाएगा, जैसे कि रामायण, महाभारत, गीता, ये सारी चीज़ें। तो फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको श्री मंदिर ऐप की लिंक मिल जाएगी, जहाँ जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी आराध्य की घर बैठे पूजा कर सकते हैं। और आज मैं कढ़ी बनाने जा रही हूँ खाने में, आज कढ़ी बनाऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा दही रखा था कल, मैंने रात को जो दूध बचा था उसमें जामुन डाल दिया था, तो वो दही तैयार हो गया था, तो मैंने कहा चलो कढ़ी बना लेते हैं। तो उसको मैंने फेंट लिया है, तो मठा टाइप का बन गया है। और यहाँ पर बेसन घोल लिया है, तो मैं पहले निकाल लेती हूँ पकौड़ी, और तेल भी गर्म हो चुका है, तो पहले इसी में पकौड़ी निकाल लेते हैं, फिर इसी में कढ़ी को छोंक देंगे। कढ़ी के लिए जब भी मैं पकौड़ी बनाती हूँ ना, तो बिल्कुल एक साइज की गोल नहीं बनती है कि छोटी छोटी सी गोल बन जाए, टेढ़ी मेढ़ी सी पूछ निकल आती है उनकी। और जो मेरी मम्मी है मायके में, जब कढ़ी बनाती है तो एक साइज की पकौड़ी होती है उनकी, बहुत अच्छी कढ़ी भी लगती है। उनकी जैसी कढ़ी तो हम कभी नहीं बना पाएंगे, उनकी कढ़ी का तो टेस्ट ही एक बहुत ज़्यादा अलग है, बहुत अच्छी कढ़ी लगती है। और बस यहाँ पर मैंने पकौड़ी सेंक ली है, और जिसमें मैंने पकौड़ी के लिए बेसन घोला था उसी में मैंने ये मठा का घोल भी तैयार कर लिया है। मठा में बेसन को घोल दिया है, थोड़ा सा बेसन और डाल दिया है, और बस अब जल्दी से कढ़ी को छोंक देते हैं, क्योंकि खाने का टाइम भी हो रहा है और ये भी आ रहे होंगे।
और मठे का बेसन का घोल डालने के बाद में थोड़ा लगातार चलाना पड़ता है, नहीं तो फिर फटने का डर रहता है। इस वजह से मैंने चला दिया है यहाँ लगातार, और बस अब इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद में फिर पकौड़ी डालेंगे। और यहाँ पर हमारी कढ़ी पककर हो चुकी है तैयार। कुछ तो वेरीफाई नहीं हो रहे, सारी डिटेल बिल्कुल सही सही भरी है। जो आधार कार्ड में नेम है, कोई नेम चढ़ाया, कोई डेट ऑफ बर्थ चढ़ाई, सब बिल्कुल सेम टू सेम। वैसे करीब नहीं कि आधार कार्ड में स्पेलिंग अलग हो और मैं अलग डाल रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। फिर भी डाटा नॉट मैच दिख रहा है, तो कोई कोई नहीं हो रहे हैं, अनवेरीफाई के अनवेरीफाई। किसी किसी ने क्या है कि डबल बनवा रखे हैं। फिर जाके खाना बनाया, वो दही रखा था रात को जमा दिया था, तो फिर मैंने कहा कड़ी बना लूं, तो कड़ी। वाह चलो, सोने में सोया कड़ी तो बनाई, थोड़ा मन भर लो। नहीं खाना खा तो बेचारा आराम कर लो, कोई बात नहीं है, मैं खा लूंगा, परोस लूंगा। और ये परसों मार्केट गए थे तो वाइट गुलाब का ये पौधा लेकर आए थे, तो मैं कल ही इसको लगा देती, पर मिट्टी नहीं थी तो इस वजह से फिर मैं नहीं लगाया था। तो ये कहे थे मैं मिट्टी ले आऊँगा तब लगा देंगे, तो ये आज मिट्टी लेकर आए हैं, तो ये कह रहे हैं कि लाओ मैं ही लगा दे रहा हूँ। तो ये जो खाली गमला रखा था ग्रीन वाला, इसमें इसको लगा दिया है। और रेड वाला गुलाब तो है, वो तो लग भी चुका है और उसमें फूल भी खिलते हैं, और ये वाइट भी अब तैयार हो जाएगा कुछ दिन बाद, इसमें भी खिलने लगेंगे फूल। और अब ये मेरे लिए मखाने भून रहे हैं, और ये कह रहे हैं खुद तो कभी भून कर खा नहीं सकती है कि मखाने खा लिया करे। तो मखाने तो मुझे अच्छे लगते हैं, जब भी मेरा मन करता है तो मैं उनको फ्राई कर लेती हूँ थोड़ा सा घी डालकर और खा लेती हूँ। और चाय के साथ में भी मखाने तो अच्छे लगते हैं, पर चाय ना भी लो तब भी अच्छे लगते हैं वो। तो ये कह रहे हैं 3-4 दिन से इसने बिल्कुल भी फ्राई करके नहीं खाए हैं, तो चलो मैं किए दे रहा हूँ, तो खा तो लेगी थोड़ा बहुत। और अभी डाल रही हूँ मैं पौधों में पानी, क्योंकि आज मैं सुबह पौधों में पानी डाल नहीं पाई थी, तो इनकी जो मिट्टी है वो थोड़ा सूखी सी लग रही थी। वैसे तो मैं सुबह शाम दोनों टाइम डालती हूँ, पर आज मैंने सुबह डाला नहीं था, तो इस वजह से अभी शाम को डाल रही हूँ। और वैसे भी सुबह शाम पानी पेड़ों में सही रहता है, दोपहर को नहीं डालना चाहिए। और बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं, पता नहीं कौन से कीड़े खा रहे हैं, दिखते हैं नहीं है, बस जब पेड़ बिल्कुल छन्नी की तरीके छेद कर देते हैं तब दिखाई देता है। तो यहाँ पर जो पत्ते बिल्कुल ख़राब कर दिए थे वो सब मैं तोड़ तोड़ कर निकाल रही हूँ। डॉक्टर ने दिया एक डिब्बा पूरा खाए, और दूसरा भी मिल गया है, पर लेकिन मर्जी से नहीं, आज नहीं देता हूँ। तो डेली तो लेती हूँ, कल लिया नहीं था। कल कहाँ लिया? लिया सुबह लिया।
गई। दूध के और ये पाउडर या खाली दूध कैसे भी दूध हो, दूध के लिए खुद से बाटी नहीं करनी किसी को। जा रही हूँ थोड़ा देर छत में जाकर ऊपर टहलूंगी, क्योंकि अभी जस्ट खाना खाया ही है तो ऊपर थोड़ा टहल लूँगी। और हवा भी ऊपर अच्छी चल रही है, दूसरा अंधेरा भी है तो कोई छत में इस टाइम दिखेगा नहीं कि अगल बगल नीचे काफ़ी लोग दिखें। तो दिन में मैं जाती नहीं हूँ ज़्यादा टहलने, रात को अक्सर जाती हूँ, तो बस अब मैं जा रही हूँ छत में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पर करते हैं एंड, मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। और हाँ, अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो न्यू हो वो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे न्यू ब्लॉग आप तक यूँ ही पहुँचते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।